जैसा कि आपको पता है कि अभी इंटरमीडिएट का जो है बहुत दिनों से उसका जो है एडमिशन का लिस्ट नहीं आ रहा था, तो वो अभी अभी आ गया है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं ये पता तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आया हुआ है और आपको किस तरह से वो एडमिशन लिस्ट डाउनलोड करना है कि आपका किस कॉलेज में आया किस कॉलेज में नहीं आया। बहुत दिनों से बहुत ऐसे थे जो बार बार कमेंट कर रहे थे मेरे पिछले वीडियो में कि कब आएगा सर कब आएगा, तो लीजिए आ गया है, आप अपना चेक कर सकते हैं। आपको लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके और अपना चेक कर सकते हैं। अगर अभी आप तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहां पे मैं आपको कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आपको लेटर डाउनलोड करना है। अपने मतलब कि एक लेटर आता है डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि आपको उसको लेके अपने नजदीकी जिस भी कॉलेज में उसका नाम आएगा आपको वहां जाके आपको उसको मतलब विजिट करना होगा प्रिंट आउट लेके, तभी आपका एडमिशन होगा अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं और आपको वहां जाके किस तरह से डाउनलोड होगा बताते हैं। जैसा कि देखिए हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहां पे कि मैं आपको बताऊंगा डाउनलोड करके और आपको मैं ये भी बताऊंगा कब से कब तक आपका एडमिशन होगा 10+2 में और सेकंड लिस्ट भी कब जारी किया जाएगा। तो देखिए बिना टाइम गवाए चलते हैं, अपना ब्राउजर खोल लेते हैं और यहां पे कि मैं टाइप कर लेता हूं जो भी वेबसाइट है, तो मेरा ऑलरेडी मैंने टाइप करके रखा है www.ofssbihar.in। ये वेबसाइट है, आप इस पर आइएगा तो कुछ इस तरह का देखिएगा इंटरफेस खुलता है, जहां पे कुछ रंग बिरंगे चीज़ दिखाई देते हैं, लेकिन आपको इस पे गौर नहीं करना। नीचे आना है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए प्रथम सूची फर्स्ट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट के संबंध में आवश्यक सूचना, ये रह गया। दूसरा है इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु प्रथम कट ऑफ सूची और कुछ अगर ये संबंध दे रखें वगैरह वगैरह मतलब फलाना ठिकाना, तो इसको आप छोड़ दीजिए इग्नोर कर दीजिए। आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको इंटरेस्ट पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको जानना है कटअप कितना कहाँ से किस कॉलेज ने कितना से कटअप उठाया कितना से ले रहा है तो आप ही जान सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, जैसा कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो भी आपका रेफरेंस नंबर है वो डाल, जैसा कि एक लड़के का है जिसका नाम राज राई है, सॉरी कुछ नहीं पता है क्या नाम है, जो भी है मैं इस पर डाल लेता हूँ और चेक करके आपको डेमो के रूप में दे देता हूँ, जो कि आपको एक अच्छा सा हेल्पफुल हो चुका है, मतलब ये वीडियो बन चुके और आपको हेल्प मिल चुकी है। जैसा कि मैं डाल लेता हूँ कुछ और आपको एक बात और बताता हूँ कि अगर आपको डाउनलोड करना है इस चीज़ को तो आपके पास उसका जो आपके पास रिसीव होगा उसका एक बारकोड होगा, उसमें जो भी 18J जो भी होता है उसका लिखा होगा और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि तभी आप जाके अपना इस चीज़ को डाउनलोड कर पाते हैं। तो जैसा कि मैं ये कैप्चा भर लेता हूँ और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर लेते हैं, उसका प्रिंट पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे स्क्रॉल डाउन की जगह यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्टूडेंट नेम राज राय और फादर्स नेम राम राधुर राय, ये आ गया। फिर नीचे डियर एप्लीकेशन ऑन द बेसिस योर मार्क्स परसेंटेज एंड कैटेगरी ऑफ योर हैव बीन अलॉटेड फॉर, मतलब जो भी लिखा हुआ ये कह रहा है कि आपके परसेंटेज और मार्क्स के अनुकूल आपका मतलब कि एस्टीम मतलब कि आपके कॉलेज को डिसाइड किया गया है। आपका जो भी फर्स्ट चॉइस होगा मिनिमम अगर आपका अच्छा खासा नंबर है तो आपको आपके फर्स्ट चॉइस के अनुकूल ही आपको कॉलेज मिलेगा। जैसा कि देखिए इनको जो कॉलेज मिला है वो मिला है क्या, ये रहा कॉलेज का नाम 10+2 AN हाई स्कूल रानी सकरपुरा खगड़िया, यहाँ पे इनको एडमिशन कराना होगा। इन्होंने जो मतलब कि सब्जेक्ट लिया था वो आर्ट्स लिया था तो इनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है कि प्लीज डाउनलोड योर एलिमेंट लेटर बाय क्लिक ऑन द फ्लोइंग, मतलब जो भी है फ्लोइंग मतलब कह रहा था इस बटन पर क्लिक कीजिए जो ब्लू वाला है इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है जो कि आपको इसको प्रिंट करके अपने पास रखना है। अब कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन क्या है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए आपका बारकोड दे रखा है, उसका क्या देखा है यहाँ पे 17/18 से 2020 तक एवं इंटरमीडिएट प्लस टू में हेतु आपके चयन में संबंधित प्रथम सूची ये दे रखा है, उसके बाद नाम और उसके बाद माँ का नाम डेट ऑफ बर्थ जो भी है और फोन नंबर, नीचे आते हैं आपका एड्रेस लिखा होता आता है और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी लिखा आते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन बताता हूँ कि आपका एग्जाम मतलब कि एडमिशन कब से कब होगा। मैं बताता हूँ आपको, आपका एग्जाम 20/8/2018 से, आपको मैं रिमाइंड कर देता हूँ फिर से कि 20/8/2018 से लेके 25/8/2018 के बीच आप अपना प्रथम लिस्ट का एडमिशन करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि दूसरा लिस्ट कब आएगा, तब अगर बहुत ऐसे आए हैं जिसका कि फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया होगा तो वो दूसरा लिस्ट के लिए कब वेट करें। दूसरा लिस्ट उनका जो आने वाला है वो आएगा 2/9/2018 को जारी होने वाला है दूसरा, जैसा कि ये यहाँ पे आप लिखा हुआ है आप यहाँ पे इसको 8 नंबर जिसको आप पढ़ सकते हो, ये मैं यही पढ़कर आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो मेरे वीडियो के कमेंट में जाइए कमेंट कीजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी तरह से आपको मतलब पूरी तरह से सहायता कर सकूँ। और फिलहाल इतना ही, आज तक के लिए इतना ही वीडियो था, तब तक लेटर बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।